Clear? Okay. Yes. Good morning, student. आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उन वीडियोस में मैंने आपको समझाया था, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉस समझाए थे, एटम्स क्या होते हैं वो समझाया था, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो समझाए थे। आज हम लोग जो हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके दो लॉस थे, आपके लॉस ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, काफी कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बारी, वीडियो को पॉज करो और सारे पॉइंट जो है वो आप नोट करो। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत अगर नजर नहीं आ रहा तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये लिखा हुआ है। सारे पॉइंट को एक बार नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 यस। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको एक पॉइंट ये समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछता है। डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसने एटम्स के रिगार्डिंग कुछ डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई थी कि किस तरह से एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स होते क्या है, मतलब उनके बारे में काफी कुछ उन्होंने बताया था। तो ये सिर्फ पी पॉजिटिव्स थे, इसको हम लोग एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। आपने पहले नोट किए, फिर उसके बाद नोट करने के बाद नोट्स पहले आप नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी से जो है वो समझते हुए जाइए, तो आपको चीज जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है, डाल्टन ने बोला था एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये पॉइंट बच्चों में पहले समझा चुका आपको, रहता ना मैंने कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, सबसे बेसिक जो यूनिट होती है मैटर की, उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। बोलो भाई, क्लियर किया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन ने भी कोई नई बात नहीं बोली, उसने भी वही बात बोली कि एवरी मैटर, हर एक मैटर जो है वो इज मेड अप ऑफ, बना होता है वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स। हर एक मैटर जो है वो वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उन वेरी स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ये डाल्टन का पहला पॉजिटिव था अपनी थ्योरी का, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हर एक मैटर जैसे सोडियम का जो भी मैटर होगा वो सोडियम के एटम से मिलकर बना होगा। कोई भी जैसे ये मैटर है तो इसमें भी एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इंडिविजिबल है, उसको मैं एटम बोलूंगा, पहले की थ्योरी से कहती हैं। तो उस मतलब ये मैटर जो है एटम से मिलकर बना हुआ, हर एक मैटर जो है वो एटम से कंपोज होता है, मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट है, एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये पॉइंट देखो, डाल्टन बड़ा ही चालाक साइंटिस्ट था, इसने पीछे की बातों को एक नए तरीके से जो है घुमा फिरा के बता दिया। अब सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, सेकंड पॉइंट वो क्या है कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल। हाँ भाई, एटम्स इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। ठीक है, एटम्स आर नॉट डिविजिबल, ये इसकी थ्योरी थी। इसमें लिमिटेशन ये होगी कि एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया बाद में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में, बट वो चीज बाद में आई थी। अभी डाल्टन बोलता है कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल है, लेकिन ऊपर से जो है एटम डिवाइड नहीं हो सकता। और हम लोग किसी भी एटम में, याद करो ये जो यहाँ से जो ये बात आई है, ये बात आई है आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि हम लोग एटम को किसी भी रिएक्शन में खुद से ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बल्कि एटम तो क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। बोलो भाई, तो ये लिखा हुआ कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होते, और एक केमिकल रिएक्शन में ये जो एटम्स होते हैं ये ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है क्या, बोलो वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ समझाता हूँ। अब देखो ये बोलता है कि किसी भी मतलब जो सारे के सारे एटम्स होंगे किसी गिवन एलिमेंट के, बेटा आपको समझाया था मैंने कि एक जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम होती है भाई, और मैटर की सबसे छोटी यूनिट भी क्या होगी, एटम ही होगी। तो एक एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं वो सेम इन साइज होते हैं, मास होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होती है। जैसे मैंने बोल दिया चौक है, ये चौक जो है इसका जो एटम होगा, जो इसका चौक का एटम होगा
और ये दूसरे चौक का जो एटम होगा, सपोज ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, सपोज ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे ना, इस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे यानी चौक के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे और इस चौक के सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये दोनों के दोनों जो है इसके एटम क्या होंगे, सेम होंगे, सारी सब चीजों में सेम होंगे, साइज में सेम होंगे, मास में सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट, एक इस एलिमेंट के एटम या फिर इस एलिमेंट के एटम या फिर मैं कोई और चौक ले लूं, सपोज मैंने ये चौक ले ली, देखो इतनी छोटी चौक ले ली, तो इस एलिमेंट के एटम सारे एक गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, आपके माउ क्लियर बताओ, सपोज ये कोई एलिमेंट है आपका, एलिमेंट जो है बेटा वो एटम से मिलकर जो होता है वो कंपोज होता है, एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलकर क्या होता है बच्चों, आपका कंपोज होता है। तो एक गिवन एलिमेंट के सारे जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होंगे, हमेशा सेम होते हैं, साइज में भी, मास में भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। तो यही चीज बोला गया है इस वाले लाइन में, मेरे ख्याल से आपको क्लियर ये पॉइंट आया होगा। अगर ये पॉइंट आपको पसंद आया तो प्लीज बच्चों अभी के अभी वीडियो में लाइक करो, अभी के अभी नहीं करो पहले, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कम ऑन, चलो किया, ये पॉइंट अगर नहीं आया समझ में आपको तो डिसलाइक मत करना, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। पॉइंट बोला गया है कि एक गिवन एलिमेंट के, एलिमेंट है थोड़ी बड़ी यूनिट है, और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है। मैं बोलूँ एक, आप ऐसे मान के चलो एक एलिमेंट जो है घर है, ठीक है, एक पूरा हाउस है, उस हाउस को हाउस किससे मिलकर बना होगा, ईंटों से मिलकर बना होगा, ईंट ब्रिक्स से मिलकर बना होगा, तो सारी ब्रिक्स क्या होती है, लगभग सेम इन साइज होती है, सेम इन कलर होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ब्रिक्स जो आपकी येलो है, एक रेड है, एक ग्रीन है, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर एक घर एक एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे, उसके जो ब्रिक्स होंगे, वो सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे, मास में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ऐसे एलिमेंट जो है उसके एटम्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, और उनके सारे सब रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। अब समझ में आया क्या ये पॉइंट वाला, बोलो अब समझ में आया। तो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक जो होने चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशल जो है, स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर्स को पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मुझे बोला गया है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन द साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मैंने बोल दिया सपोज ये चौक है, इस चौक, ये चौक एक एलिमेंट है, तो इसके जो एटम्स होंगे, और मैंने बड़ा सा पत्थर ले लिया, इस ये पत्थर एक एलिमेंट है, और इसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या है, एटम्स जो है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसके इस पत्थर के जो एटम्स होंगे और इस चौक के जो एटम्स है, ये क्या है, डिफरेंट है इन शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज में, और रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि वही बात है, एक घर के सारे मेंबर जो हैं वो लगभग उनके सेम ही सेम होते हैं, वो खान पान में उनकी जो रहना सहना बिहेवियर सब सेम ही होता है। अब किसी दूसरे घर के मेंबर्स कि जो है वो रहना खाना खान पान जो उनका जो भी लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होगा। तो एक घर के एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, पर दूसरे घर के दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, शेप में भी, साइज में भी, मास में भी, ठीक है, ये बोला गया। अब सपोज ये सोडियम का एटम हो गया, तो इसके ये भाग, अब मैं यहाँ कार्बन का एलिमेंट ले लिया, सपोज सोडियम का एलिमेंट है, ठीक है, उसके एटम्स सोडियम के एटम्स थे। अब कार्बन का एलिमेंट है, तो कार्बन का जो एलिमेंट होगा सपोज करो इस तरह से जो है उनके एटम्स जो ऐसे होंगे, तो देखो इन दोनों में फर्क है ना, तो ये भी ये किसका है, कार्बन का जो है एलिमेंट है, कार्बन का क्या है बेटा, एलिमेंट है। तो एटम्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा ये चीज में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है, Atoms combine in the ratio of a small whole number to form compound. ये पॉइंट तो बेटा मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, प्रीवियस चैप्टर में भी इस पॉइंट को मैंने आपको पढ़ाया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया अभी, इसको फिर से समझा दूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि आपका जो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि एटम्स जो होते हैं आपके, जो एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। बताया मैंने कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कब बनता है,
कंपाउंड कब बनता है आपका, कंपाउंड कब बनता है जब एटम्स जो होते हैं आपके, जो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। एटम्स एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होंगे, एक उनका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा एटम्स का, जब वो कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इजी है ना, तो मैंने बोलते चार एटम, सपोज मैंने क्या कर दिया कि दो एटम हाइड्रोजन के लिए और एक एटम मैंने ऑक्सीजन का लिया, तो जब कंबाइन होते हैं तो आपका क्या बनता है, H2O बनता है। ये आपका क्या है, एक कंपाउंड है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है। तो एटम्स क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट जो इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये पॉइंट भी समझाता हूं बेटा, जो एटम्स का जो नंबर होता है और जो एटम्स का जो नेचर होता है, किस तरीके के एटम्स होते हैं, उनका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा गिवन कंपाउंड में। मतलब मैंने बोला, सपोज मैंने कंपाउंड लिया आपका H2O कंपाउंड लिया मैंने, इस H2O के कंपाउंड में जो एटम्स का नंबर होगा और जो इनका टाइप होगा, टाइप मतलब काइंड, जो इनका काइंड होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये है मतलब कि मेरे H2O के अंदर जो है, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, आपने बोला सर दो हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन है, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 2:1। अब चाहे अपने यहाँ का पानी हो भुट्टा का, या आपके घर का हो, या आपके नानी दादा दादी चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी, जिसके भी घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, स्विट्जरलैंड का हो, इंग्लैंड का, किसी का भी पानी हो, किसी भी देश का पानी हो, उनके जो एटम्स उस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनके एटम्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो रिलेटिव नंबर का मतलब नंबर, इनके जो नंबर्स का रेशियो है, और काइंड का मतलब अगर जो इंग्लैंड का पानी है उसका फॉर्मूला H2 है, तो इंडिया का पानी का फॉर्मूला भी H2 होगा, उसमें भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा। तो उसके एटम्स का नंबर और उसके काइंड का जो रेशियो है, ये हमेशा क्या होगा बेटा, एक गिवन कंपाउंड के अंदर यह हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। ये डॉल्टन्स ने क्या है, अपने पॉइंट्स जो है बोले थे, और मैंने सारे पॉइंट आपको क्या करके समझाए। अब इन पॉइंट का आप सीक्वेंस जो है वो लर्न करो, सीक्वेंस में लर्न ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, बट आप इस सारे पॉइंट जो है वो मेमोराइज करो, बार बार इनको जो है वो आप याद करो। तो ये हम लोगों ने डॉल्टन टॉपिक थ्योरी पर डिस्कस की, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे अपना, यहाँ से जो है चैप्टर को नए लेवल पर ले जाएंगे, और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका एटॉमिक मास, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए जो है आराम से जो है नोट्स वगैरह बनाओ और चीज़ों को लर्न करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।